एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया हेयर ऑयल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ऑयल मैं बनाने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर किया जाए। ये ऑयल बहुत ही अच्छा है हमारे बालों के लिए। इसको हम कैसे बनाते हैं, बालों में कैसे लगाते हैं, हेयर को कैसे वॉश करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होती है ना, और हमारे जो हेयर फॉल भी है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेबी हेयर हमारे आते हैं छोटे छोटे, बट थोड़े दिन के बाद वो फिर से झड़ जाते हैं। अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में हमें क्या करते हैं हम लोग कि मार्केट से बहुत सारे महंगे से महंगे हेयर ऑयल लेकर आते हैं, बट उनसे कुछ भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हमारे बाल जैसे के तैसे बने रहते हैं, ग्रोथ नहीं होती है, बालों का झड़ना भी नहीं रुकता है ना। तो चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया हेयर ऑयल लेकर आए हैं। हेयर ऑयल बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर सरसों का तेल। इसको हम धीमी आंच पर रख देंगे गर्म होने के लिए। हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये एक बहुत ही बढ़िया जादुई सी चीज़, ये है आंवला। जी हाँ, सूखा आंवला हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास आंवला का गीला वाला आंवला है जो गोल आता नहीं है, ग्रीन वाला, वो भी इस कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और पाउडर मत डालें, क्योंकि पाउडर अगर हम आंवला का डालेंगे तो उससे जल ऑयल जो है वो जल जाता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है सिका काई। जैसा कि आप सभी को पता है, सिका काई हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उससे हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिका काई डाल दिया है थोड़ा, और थोड़ा मैंने आंवला डाला, और कुछ मैंने मेथी दाना डाला है। मेथी दाना हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ऑयल में पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे जिससे कि ऑयल जो है अच्छे से पक जाए। तो देखिए सभी चीज़ों को हम जलने नहीं देंगे, बस धीमे धीमे इसको पका लेंगे। उसके बाद ठंडा होने पर इसको हम छान लेंगे। तो ये छन्नी जो है मैंने इन्हीं सब चीज़ों के लिए रखी हुई है। तो चलिए इसको हम फटाफट से छान लेंगे, और ये हमारा बहुत ही बढ़िया ऑयल बनके तैयार हो गया है। इस ऑयल को हमें हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार तो अपने बालों में लगाना ही है। फ्रेंड्स, कोई भी होम रेमेडी होती है वो थोड़ा देर में वर्क करती पर वो काम बहुत अच्छा करती है ना। तो हमें थोड़ा सा सब्र भी रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लगाया तो आपके बालों की ग्रोथ होने लगी, बालों का झड़ना कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम हमें वो चीज़ों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। लेकिन फ़ायदा आपको बहुत अच्छा होगा सच में। एक बार आप ट्राई करके देखना, इस ऑयल को अपने बालों में जरूर लगाइएगा। ऑयल हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा मांग निकाल के अपने बालों में पूरे में अच्छे से ऑयल की मसाज कर लें, अच्छे से ऑयल लगा लेंगे स्कैल्प पर। हेयर ऑयलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। हफ्ते में हमें कम से कम 2 बार तो हेयर ऑयलिंग करना ही चाहिए। इससे हमारे बालों को पूरा पोषण मिलता है। जिस तरह से हम एक्टिव रहने के लिए खाते हैं पीते हैं, है ना, खाना खाते हैं पानी पीते हैं, उसी तरह से हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए ऑयलिंग करना ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं बालों को तो ऑयलिंग ज़रूर करिएगा। तो देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी मांग निकाल कर हम अपने बालों में ऑयल को लगा लेंगे। स्कैल्प पर हम अच्छे से मसाज करेंगे, और फिंगर टिप की हेल्प से ही हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेंगे। आप चाहें तो कॉटन से भी स्कैल्प पर लगा सकते हैं, बट मुझे हाथ से लगाना ज़्यादा ठीक लगता है। मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा अच्छे से लगता है। और बालों की जितनी भी लेंथ है, लेंथ के एंड तक अच्छे से ऑयल को लगा लीजिए, और ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है। ये ऑयल जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करेगा। और देखिए इस तरह से हम अच्छे से बालों की मसाज कर लेते हैं। और देखिए ऑयलिंग मेरी हो गई है, और ऑयल को हम मैं रात भर लगा रह ऐसे ही लगा रहने दूंगी। सुबह हेयर को वॉश कर लूँगी। जब भी हेयर को वॉश करें 2-3 घंटे पहले ही आप इसको लगा लीजिए, नहीं तो आप ओवरनाइट भी इसको लगाकर छोड़ सकते हैं। देखिए अब हम बस हेयर बन बना लेंगे, नहीं तो हम छोटी भी बना सकते हैं। और बालों को इस तरह से हम करके
और रात भर ऐसे ही रहने देंगे, सुबह अपने हेयर को वॉश करेंगे। हेयर को वॉश कैसे करना है आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हेयर वॉश हमें सिंपल तरीके से ही करना है, जैसा हम करते हैं कोई जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं उसी से अपने बालों को हल्के हल्के हाथों से ऑयल, जैसे कि मैंने ज़्यादा डाला था, दो बार मैं शैम्पू लगाऊंगी अपने बालों में। कभी भी हमें शैम्पू अपने बालों में डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट हमारे स्कैल्प पर जाते ही हमारे बालों को कमज़ोर कर देते हैं ना, क्योंकि बहुत सारा केमिकल होता है। इसलिए आप बालों में कुछ भी जैसे कोई मास्क लगा लीजिए पहले, या फिर आप ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद आप शैम्पू करिए, आपके बाल सच में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। हेयर वॉश हम कर लेंगे, जो भी शैम्पू से हम यूज़ करते हैं बस उसी वही शैम्पू यूज़ करेंगे, कंडीशनर यूज़ करेंगे और बस। हाँ, हमारे हेयर वॉश जो हो गया, इसी तरह से हमारा जो हेयर वॉश का रूटीन है इसी तरह से होता है। और उसके बाद अब जब बाल हल्का सा ड्राई हो जाए उसके बाद अब उसमें सीरम लगा लीजिए। सीरम, एक सीरम की रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो सीरम बहुत ही अच्छा है हमारे बालों के लिए। बस वो सीरम आपको बाल धोने से पहले लगाना है, और अक्सर जो भी हम सीरम यूज़ करते हैं वो हम बाल धोने से पहले लगाते हैं, बाल धोने के बाद में लगाते हैं, लेकिन जो सीरम मैं आपको बताऊँगी वो सीरम आपको बाल धोने से पहले लगाना है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है वो सीरम भी। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो बस सिंपल, जैसे ही हम अपने हेयर को वॉश करते हैं उसी तरह से अपने हेयर को वॉश कर लेंगे। और गाइस देखिए, ये है हमारे हेयर का, हेयर ऑयल का जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आया है। और हेयर वॉश करने के बाद मैंने बालों में सीरम लगाया, उसके बाद हेयर ड्राई मैंने नेचुरल तरीके से करी, कोई भी ड्रायर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, नेचुरल तरीके से ही अपने बालों को मैं ड्राई करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आए, और ये हेयर ऑयल जो है बहुत ही अच्छा काम करता है, आप इस हेयर ऑयल को ज़रूर बनाइएगा, एक बार इसको बना के रख लीजिए और हफ्ते भर आप हफ्ते में आप 2 से 3 बार इस ऑयल को लगाइए, आपके बाल जो है सच में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। और आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।